छात्राबेन हरि भाई गजरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट की। उसमें प्रथम चैप्टर है आराधना, उसका प्रकार पद्य, पद्य यानी कविता। आराधना का मतलब क्या होता है कि आराधना यानी प्रार्थना, वंदगी, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। और उसके जो राइटर है, उसके जो पोएट है, वो वसंत पापड़ है। आज हम सबसे पहले वसंत पापड़ जी के बारे में बात करना चाहूंगी। उनका जन्म सन 1922 में और निधन सन 2000 में हुआ था। वो महाराष्ट्र के सतारा जिले के करट नामक गांव में पैदा हुए थे। पुणे उनकी कर्मभूमि थी। वो राष्ट्र सेवा मंडल के सहयोगी भी रहे थे। वो अध्यापक भी थे। उनकी कविताओं में अक्सर राष्ट्रभक्ति की बात की गई है और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जैसे कि सेतु, बिजली, सकीना, अकाली, दिशा, तेजस्वी, ऐसी 11 रचनाएं उनकी की गई है। इस कविता के अंदर, इस जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना के अंदर उन्होंने एक बात बताई कि सत्य शिवम सुंदरम यानी विश्व बंधुत्व की भावना उजागर हो। इस कविता के जरिए वो हमें ये समझाना चाहते हैं। देव मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की है साधना, जीवन में न तेज हो अंदर में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। तो सबसे पहले देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, देह यानी शरीर। जो लोग दुर्बल है यानी कमजोर है, उसकी रक्षणार्थ पौरुष की वो साधना, पौरुष यानी साहस दिया गया है। वैसे पौरुष का मतलब होता है मर्दानगी, पर यहां हम साहस के तौर पर लेंगे। यानी दुर्बल जो लोग हैं, उनके जो लोग दुर्बल है उसकी रक्षा के लिए हमें साहस की प्रार्थना करनी चाहिए, साहस की उपासना करनी चाहिए। जीवन में न तेज हो अंतर अंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना, यानी सभी के जीवन में नव चेतना हो, सभी के हृदय के अंदर एक सुंदर आशा हो, सभी के अंदर ये आशा जगानी चाहिए कि सब लोग मानवता की उपासना करें, ऐसी हमें आशाएं रखनी चाहिए। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, शौर्य यानी साहस। हमें शौर्य यानी साहस और धीरज से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी लोगों के अंदर एक आशा हो, मानवता की आशा। वेद सभी अस्त हो गए वैर और वासना, यानी सभी लोगों के अंदर जो वैर अवैर, वेद सभी अस्त हो गए वैर और वासना, तो हमें ये कामना करनी चाहिए कि सभी लोगों के अंदर वैर और
जो डर की भावना होती है, वासना होती है, वो सभी लोगों के अंदर समाप्त हो जाए। मानव जाति एकता की पूर्ण हो कल्पना, मेरी कल्पना ये होनी चाहिए कि मानवों के बीच एकता हो, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना, हम ऐसी आशा करते हैं, हम ऐसी कामना करते हैं कि लोग स्वतंत्र और बंधुत्व की कामना की प्रार्थना करें।